हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ। तो यहाँ पर बच्चे गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और ये सुबह चले गए हैं ऑफिस। बाकी इनका लंच वगैरह सब पैक कर दिया है मैंने। अब बच्चों का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 11:30। तो वो बच्चे भी आने वाले हैं, तो बस मैं खाना बनाऊँगी। उधर अनु की भी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कब दर्द हो जाए पता नहीं चलता। कैसा मतलब पूरी बॉडी में दर्द है, तो उसे उठा नहीं जा रहा। तो बस मैं आप बनाऊंगी खाना। इधर गुड्डू भी परेशान कर रहा है क्योंकि उसको भी आ रही है नींद, सुबह से बहुत खेल लिया अकेले अकेले। तो बस अब खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद इसको जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से उसके बाद इसे नहलाऊंगी, तीनों को नहलाऊंगी। यहाँ पर पीना है गुड्डू को गन्ने का जूस, तो बस उसे जूस ही पिला रही हूँ। बाकी ये खड़ा हुआ पीने वाला जूस अभी आने वाला है, उसी का वेट कर रहे हो। जूस ए छे मैं पीऊँ? आप पियो। खाना बनाते बनाते आ गया गन्ने वाला जूस, गन्ने का जूस। छोटे बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है कि जब मतलब बीच में काम छोड़ छोड़ के जब करना पड़ता है पूरा काम। तो अब अन्नु को रोटी दिलाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, उसकी भी तबीयत सही नहीं है। तो ऊपर से मैं खाना दे आई हूँ और अब बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि सुबह ज़्यादा नहीं बना पाती, इनका लंच वगैरह ही बना पाती हूँ। तो इधर मेरी रोटियाँ बन गई हैं, इधर गैस वगैरह स्लिप विलिप सब साफ करके मुझे साफ करने हैं, बर्तन वगैरह साफ करके, क्योंकि कितने भी बर्तन साफ़ कर लो फिर भी थोड़ी देर में हो ही जाने, क्योंकि बच्चों के घर में जितना काम करो उतना ही कम होता है। मतलब बर्तन पे बर्तन हो ही जाते हैं छोटे बच्चों के घर में, ऐसे ही होता है। खैर, काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, जितना करो उतना कम है। तो इधर मेरा काम हो गया है। और ये कल मैं मम्मी के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ से आम का अचार ले के आई थी, तो बस उसी डब्बे को हटा रही थी, मतलब पन्निया वन्निया हटा रही थी। तो इधर बर्तन साफ़ हो जाएंगे मेरे, और उन बच्चों के मुझे गरम कपड़े भी निकालने हैं जो कि रह गए थे थोड़े थोड़े, तो वही कपड़े मैं सेट कर रही हूँ, गर्मी के अलग और सर्दी के अलग निकाल रही हूँ क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो मैं बेड में ही रखती हूँ बच्चों के कपड़े, इधर निक्कू के कपड़े रखती हूँ और इधर निक्की के कपड़े रखती हूँ, और नोनू के भी मतलब जो नए कपड़े होते हैं वो भी मैं इसी में रखती हूँ, तो बस उसी को अलग अलग कर रही थी। तो इधर नोनू के कपड़े हैं, ड्रायर वगैरह रख देती हूँ, न्यू कपड़े रख देती हूँ, तो बस उन्हीं कपड़ों को सेट करके। तो कपड़े सेट करके मैं लग गई हूँ सिलाई में, मुझे बस बाजू बाजू लगानी थी। अनु बना रही है, खाने की तैयारी कर रही है क्योंकि मौसा जी आने वाले हैं, यानी कि अनु के पापा आज आने वाले हैं। तो बस इधर हो गई है खान, सब्जी वगैरह काट रही है, खाना वाना तैयार करके रख देंगे। फिर मैं थोड़े कपड़े हैं उन पे प्रेस करके तब मेरा काम हो जाएगा। इधर गुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक तो उसकी तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं रहती, कभी कुछ कभी कुछ, जुकाम खांसी तो इतना रहती है बहुत ज़्यादा, तो प्रेस करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उधर ये फ़ोन मांगता रहता है, तो फ़ोन लेके बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बस करते रहो। कल छोटी वाली दीदी के यहाँ गए थे, तो वहाँ से आके मैंने कानों के निकाल दिए थे इयररिंग्स वगैरह, तो बस उन्हीं को डाल रही थी क्योंकि कानों में मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तो गुड्डू कह रहा मुझे भी पहनाओ, तो वही खेल रहा है, कभी वो ले रहा है वो ले रहा है। इधर पापा भी आ, ये ले तो आज अन्नू को वो खुशी मिली है जो मिलता है ना बहुत दिन बाद पापा घर आते हैं, तो बस बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस इनका चाय नाश्ता कराने के बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो बस इधर हो गई है हमारी खाने की तैयारी, वो लोग खाना खा रहे हैं। होता है ना जब पापा शादी से मतलब शादी के इतने दिन बाद आए, तो ऐसा लगता है कि हम ये भी खिला दें वो भी खिला दें, तो मतलब दिल में ना अजीब सी उलझन सी होती है कि ये भी खिला दो वो भी खिला दो। आजा,
तो फ्रेंड्स खाना तो बन चुका है, बाकी उन्होंने खाना भी खा लिया है। अब रह गए हैं मेरे बर्तन जो कि मैं थोड़ी देर में साफ़ करूँगी। अभी उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, बात करेंगे और इन्जॉय करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। फिर अभी अनु गई है ऊपर, बैठे हैं वो बातचीत कर रहे हैं। फिर उनके जाने के बाद ही थोड़ी देर बाद ही बर्तन साफ़ करेंगे क्योंकि एकदम जाते हैं तो बर्तन साफ़ नहीं करते, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए, अच्छा भी नहीं माना जाता। तो अभी फ़िलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इतने आप मेरे साथ देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और बाकी देखिए, आपने अभी इनका नाम नहीं बताया कि हम इनका क्या नाम रखें। पूरा दिन ची 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 करते रहते हैं पूरा दिन, उजाला दिखाने कि सुबह उठते ही ची 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 करने लगेंगे। बाकी आप देख पापा जी अभी जा चुके हैं और बाकी हमारी अन्नू की थी पहली होली जो कि वहाँ से आए हैं सबसे कपड़े, क्योंकि पहली होली पे पूरी फैमिली के कपड़े होते हैं। तो चलिए देख दिखाते हैं आपको पूरी फैमिली के कपड़े। तो सबसे पहले हैं दही देवताओं के कपड़े, क्योंकि सबसे पहले बड़े बुजुर्गों के कपड़े होते हैं जो दही देवता होते हैं उनके। तो ये हैं दही देवताओं के कपड़े हमारे बड़ों के, फिर उसके बाद होते हैं सब पूरी फैमिली के। तो ये मम्मी की साड़ी और जोड़ा और ये दही देवताओं के हैं। और ये है मेरा सूट, इनका कपड़ा 2 मीटर ये पूरा सूट रखना। ये है मेरे और ये है सविता दीदी, ये छोटी वाली दीदी के, हमारी छोटी नंद है ना उनके, ये हमारी बड़ी नंद के, और ये हमारी अनु का सूट है और ये भैया के कपड़े हैं। तो पूरी फैमिली के कपड़े आ गए हैं, पहली होली बन गई है हमारी विद गुंजिया, विद गुंजिया। और चलिए आप भी खा लीजिए गुंजिया और बालूशाही। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो तो बताना ज़रूर, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको अच्छी अच्छी वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ वेट करें और देखते रहें।